बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर टूटा है। सिवान में जहरीली शराब से दो लोगों की मौत की खबर है। चार लोग गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं, जिसमें से दो की आंख की रोशनी तक चली गई है। वारदात लकड़ी नबीगंज की बताई जा रही है। इसके बाद से जिला इंतजामिया अलर्ट मोड पर है। पूरे इलाके में इंतजामिया कैंप कर रहा है। सदर अस्पताल को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। एक रिपोर्ट। सिवान में फिर जहरीली शराब कांड। 50 रुपए में खरीदी मौत वाली शराब। कांड के बाद इंतजामिया हरकत में। क्या नाम है आपका? कितना मिला था? 50 ने। क्या पिए थे आप? वही सादा वाला। सादा वाला दारू पिए थे। कहाँ से खरीदे थे? इधर ही से। 50 रुपए में मौत बिक रही है और लोग मौत के जाम को भी पी रहे हैं। अभी अक्टूबर में ही 40 से ज्यादा की मौत हुई सिवान और छपरा में। और एक बार फिर जहर के जाम का कहर सिवान पर टूटा है। लकड़ी नबीगंज में हड़कंप मच गया है। बीते शाम को ही सबने शराब पी और जब घर पहुंचे तो तबीयत बिगड़ने लगी, उल्टियां होने लगी, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया। इसके बाद तो इलाके में हड़कंप मच गया। थे ये उल्टी करने लगे, इनको लाकर और दिखाया गया तो हम लोग यहाँ। कौन है जो मर गए? कौन है? ये हमारे पड़दारी में के बड़े पापा के लड़के। क्या मौत हुआ इनका? क्या मतलब क्या बताया गया कि शराब पिए थे? हाँ शराब पिए हैं ये। सुबह 6 बजे से नबीगंज हेल्थ सेंटर पर मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। हालात बिगड़े तो इन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां से फिर पटना भेज दिया गया। सबसे पहले एक व्यक्ति आया वॉमिटिंग का कम्प्लेन लेके, जो बताया नहीं कि उसके साथ क्या है। वाइटल सब ठीक था तो वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट दिया गया उसको। उसके थोड़ी देर बाद एक मरीज आया जिनको देखने में प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद एक और मरीज आए, तब जाके आपस में पब्लिक से ये न्यूज आई कि इन लोगों ने कल शाम में शराब पी है। जहर के जाम से मौत की खबर जैसे ही फैली, इंतजामिया हल्के में हड़कंप मच गया। अधिकारियों की टीम लकड़ी नबीगंज पहुंच गई। हर घर से जानकारी जमा की जाने लगी। पर सवाल उठता है कि शराबबंदी में 50 रुपए वाली शराब कैसे बिक रही है, जबकि अभी पिछले महीने ही 40 से ज्यादा ही मौत हो चुकी है। बावजूद गैर कानूनी शराब की बिक्री बंद नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।